हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और मैं अब जा रही हूँ, मेरा काम हो रहा है शुरू। अब मैं जा रही हूँ काम करने, मीन्स झाड़ू लगाने, इतनी बड़ी झाड़ू से। और पूनम इधर आज बहुत दिन बाद ये अपनी YouTube चैनल बनाई है, तो बहुत खुश हो रही है। बहुत ज़्यादा सॉरी इंस्टा आईडी बनाई है ये। इंस्टा आईडी किस नाम से बनाई है बोल दो, सबको फॉलो कर देंगे। इसने अपनी इंस्टा आईडी बनाई है पूरम साव 1001 से। वो एक्चुअली मैंने ही क्रिएट किया है, सो आप सभी इसे फ्री फॉलो करो। वैसे तो ये अपनी आईडी को प्राइवेट रखने वाली है, बट फॉलो कीजिए, बाकी उसको भी देखिए और मुझे भी। तब तक अब जा रही मैं काम करने, बाय बाय। वैसे ये टोपी कैसी लग रही है? अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं पागल हूँ, नहीं, जस्ट आई फन एवरी टाइम। काम हो चुका है और बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि बब्बी आ रही है। बहुत दिन बाद रोज रोज वेट करते, आ जाएगी कल आएगी, आ जाएगी कल आएगी, कर करके फाइनली आज वो आ रही है। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, फ्रेश होकर नहा वहा के एकदम रेडी हो जाऊँगी और फिर बब्बी आएगी, फिर मैं मिलूँगी उससे। मेरा सारा काम वो हो गया है, झाड़ू वाड़ू लगा ली मैंने, अब साड़ी में नहा ले और फ्रेश होने। मैं नहा वहा के रेडी हो गई, मतलब अब जा रही खाना बनाने। और मेरी माँ भी आ चुकी है बहुत सारा सामान लेके, चावल वावल और क्या क्या कपड़े वपड़े भी, वो तो नानी दी है, देती है। और बताओ मम्मी कैसा क्या रहा, कहाँ कहाँ तुम घूमी? देखिए माँ का हालत ख़राब हो चुका है, सुबह सुबह ठंड में। कितने बजे निकली थी वहाँ से? 4 बजे निकली। 4 बजे कौन सी ट्रेन से आया? तो कौन सा इंटरसिटी से? हाँ यूनिवर्सिटी से। क्या चाहिए? अच्छा लोकल ट्रेन से लोग, हाँ यूनिवर्सिटी होगा सुबह सुबह। अब माँ तो आ चुकी है और इसकी सामान वामान अब फिक्स होगा कहाँ कहाँ रखेगी और उसके बाद हम भी काम धाम ना शुरू करते जा रही। खाना बना रही, सबसे पहले चाय बना रही, इट्स माय फेवरेट अमावट और ये सोफ वाली चॉकलेट, वाव। बस मैं बैग की और वहाँ बैठाऊंगी। ये रहा अमावट, मुझे अलग दूसर सबका है कि हम लोग इस बार मिलते हैं नहीं। टेस्टी है, आधा पूनम के लिए रख देंगे, देखो खाना मम्मी। सारा लगेज लेके मम्मी आई थी और ये सीट वैगन आया है दादी के यहाँ से, इतना सारा सीट, पता नहीं बीज वाली, हाँ बीज वाली सीट है, इसको खाने में मज़ा आएगा। मैं सोचती थोड़ा पका के खा लूँ और ये वीगन भी बड़ा बड़ा सा, वाओ। अभी इसे कट करूँगी और फिर बनाऊँगी, बट खा के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अब मैं जा रही हूँ चाय वाय पी लूँगी, इसके बाद कुछ कर दे। यहाँ ठंड फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझे अचानक से मन गया कि मैं थोड़ी बहुत क्राफ्टिंग करूँ। सो मैंने कुछ पुराने घर में आए हुए कार्ड, शादी के कार्ड्स लिए निकाले हैं, मतलब जो मतलब पहले किसी की शादी थी और मेरे घर में कार्ड आया हुआ था, तो मैं सोची चलो उन कार्डों का यूज़ करके अपना घर डेकोरेट करने का कुछ थोड़ा सा बनाऊँ। अब मैं फ़ोन को रखती हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बताऊँगी। ये है पुराने कार्ड,
और इस तरह हार्ट शेप का, दिल शेप का कुछ कुछ कार्ड, कुछ लिप्स बनाऊंगी और कुछ लिप्स देखते हो। देखिए ये रहा कार्ड बना, तो कट करते हैं। और ये मैं ले चुकी हूँ कार्ड। अगर आपको छोटे छोटे दिल बनाने हैं, जिस शेप में दिल बनाना है उस शेप में से कट कीजिए फटाफट। इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, यानी इससे चार दिल बनेगा। टू टू करके दो दो दिल को मैं एक साथ कट करूँगी, इसका फोल्ड करके ऊपर से थोड़ा सा कोई निकाल के मैं इसके थोड़ा सा दिल के शेप में घुमा घुमा के काट। ये मेरा दिल कैसा है? अगर पसंद आए तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसे कार्ड से। और इसे मैं अभी तो डेकोरेट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी पूरे पीसेस कट करनी है। ये दीवार भी डेकोरेट करने के लिए मैं कट कर रही हूँ। लुक इट, ये सारे कट करूँगी तो अच्छा लगेगा ना। अब जल्दी जल्दी कट करते हैं। ये दिल से थोड़ा अच्छे से नहीं कटा है, मैं इसको पूरी कंप्लीट अच्छे से कट करूंगी। Look it. आप चाहे तो इसे भी जो कटे हुए पेपर्स निकल रहे हैं इसे भी यूज कर सकते हो एक अलग अलग शेप में, अलग अलग तरीके से। इसे जब सजाऊंगी तभी पता चल सकेगा कि मैं इसे कैसे सजाऊंगी, अभी तो पता नहीं है। मैंने बहुत सारा दिल कट कर लिया। मैं सोच रही रेड वाली जो कार्ड है उन सबको हार्ट बना देती हूँ, दिल बना देती हूँ, क्योंकि रेड कलर का है तो दिल अच्छा लगेगा इसलिए। और येलो वाले से मैं लीफ बनाऊंगी, पत्ते और कुछ फ्लावर्स। या बन गया ना, मैं ऑलमोस्ट ढेर सारा बना ली। अब ये है येलो कलर की, इधर तो लिखा हुआ है तो हम यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन जिधर नहीं लिखा हुआ है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी जो पुराने कार्ड होते हैं ज़्यादातर फेक ही देते हैं, मतलब पुराने कार्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है, लोगों के घरे में जाते हैं उसके बाद कूड़ेदान में फेंका जाता है बहुत सारे कार्ड हो जाने के बाद। इसलिए मैं सोची कि चलो कुछ अचानक से मन कर गया कि अरे वाह कार्ड है इतने अच्छे अच्छे क्यों ना इसका कुछ इस्तेमाल किया जाए, सो मैंने ट्राई किया। अब आपको अगर पत्ता बनाना है, लीफ बनाना है, तो एक स्क्वायर शेप में पहले कट करना है इस तरीके से, उसके बाद इसे इस टाइप का हाफ फोल्ड करना है, इसका हाफ पूरा सीधा सा। अगर अच्छे से कट करोगे ना तो ये खुद शेप लेगा, नहीं कट किया होगा तो ये थोड़ा टेढ़ा बट खुद लेगा। डायगोनल शेप में, डायगोनल क्या बोलते हैं, डायगोनल शेप में इसको कट कर देना। ये कट गए दो, इससे दो पत्ते बनेंगे। इसको अब 1 सेंटीमीटर में इसको फोल्ड करना है, मैं दिखाती हूँ थोड़ा फोल्ड करके इस तरीके से।
गया हमारा 1 सेंटीमीटर। इस तरह फोल्ड करने के बाद आप एकदम इक्वल शेप में इन दोनों को ज्वाइन करना है इस तरीके से। आप इसके लिए फेविक्यूब या फेविगम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये लीफ बनकर तैयार। सी अभी मैंने फेविगम या फेविकॉल नहीं लगाया है पर बाद में मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। अब इस तरीके से मैं ढेर सारा बनाऊंगी। ये आपका हार्ट और ये लीफ। अगर आपको फूल बनाना है तो उसके लिए आपको ये स्क्वायर शेप नहीं, ये वाला थोड़ा लंबा होना चाहिए। लेंथ जो है लंबी होनी चाहिए और विड्थ जो चौड़ाई जो इसकी कम होनी चाहिए। इसको भी सेम जिस तरीके से लीफ को मैंने फोल्ड किया उसी तरीके से इसको भी फोल्ड करना है। उसके बाद आप चाहे जैसे फ्लावर की कोनी होती है ना कली कली टाइप की निकली हुई, उसको आप कोने कोने से दोनों साइड से भी शेप में कट कर सकते हो। अब ये जो जैसे मैं फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना, दोनों साइड से इसको चिपकाना पड़ेगा। जस्ट ऐसे चिपकाएंगे उसके बाद ये अगर आपको पत्ता बनाना है, मतलब अब तो मैंने हार्ट बना लिया, फ्लावर बना ली, लीफ बना ली, पत्ते बना ली और दूसरे स्टाइल की पत्ता नॉर्मल से भाग में बांट देने का इस तरीके से। इससे दो पत्ता बन जाएगा और फिर एक बार इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। उसके बाद जिनको जैसे आता है पत्ते के शेप में इसको कट कर सकते हैं। मुझे भी पत्ता का उतना ये नहीं है लेकिन हाँ मैंने एक बार बनाया है वैसे थोड़ा सा डली। इसको भी दिल के शेप में जैसे कट करते हैं वैसे कट करके, बट दिल के शेप में थोड़ा सा अलग होगा, इसमें थोड़ा सा अलग होगा लाइक मैंने कट तो कट दिया पर ये पत्ता कम और पान के पत्ते ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी मैंने बहुत कट कर लिए, अब मैं कुछ कुछ कल कट करूँगी और फिर फाइनली इसको सजाऊँगी या तो 17-18 को उसके बाद ये काट के अंदर वाले इसको तो नहीं कट करूँगी और इसको मेरे ये तो रखा रहेगा जो सिंगल साइड था मैंने कट कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मेरे वीडियोस को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कीप वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।